रामगिरी महाराज पर कड़ी कार्रवाई की मांग, रहबर वेलफेयर फाउंडेशन की पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएसएम प्राइम। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के मंगरुळपीर से, जहां रहबर वेलफेयर फाउंडेशन ने रामगिरी महाराज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंगरुळपीर जिला वाशिम से आई इस खबर में रहबर वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आतिफ इकबाल के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से रामगिरी महाराज पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, जिन्होंने हाल ही में नासिक में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि इस विवादास्पद बयान के बाद से औरंगाबाद, नासिक, मुंबई और अकोला जैसे कई शहरों में रामगिरी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बावजूद इसके अभी तक महाराज पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रहबर वेलफेयर फाउंडेशन का कहना है कि इस मामले में महाराज पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे समाज में नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों का समर्थन कर रही है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ज्ञापन के दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आतिफ इकबाल ने कहा, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के हर इंसान के लिए प्रेरणा है। ऐसे में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रहबर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मंगरुळपीर पुलिस स्टेशन में हमने एक निवेदन दिया है। उसमें मांग भी ये की गई है कि जो रामगिरी महाराज है, उन्होंने प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, तो उससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंची है। तो हमने यही मांग की है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे और उनको अटक करे। साथ ही महाराष्ट्र हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप पनाह गराई नहीं करें, उनको आप अटक करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना बख्शे। साथ ही हम अभी लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सिर्फ मुसलमानों की प्रेषित नहीं है बल्कि ये दुनिया में बसने वाले सारे इंसानों के प्रेषित है। तो आप उनकी जो जीवन है, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़े और जो समाज के अंदर अलग बातें, समाज के अंदर भेदभाव पैदा करने की जो बातें हैं, उसे बहस करें। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान फाउंडेशन के कई प्रमुख सदस्य भी मौजूद थे, जिनमें सचिव कामरान मुस्तकीम, अफ़ान खान, अल्तमश राहिल, शर्जील खान, अरियान खान, फुजैल शौख और शहजाद खान शामिल थे। रहबर वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने ज्ञापन में समाज में शांति और भाईचारे की अपील की है और सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। वीएसएम प्राइम से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारी अगली खबर। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके।